एक सवाल और तहरीर फरमाया कि किसी हुक्म की इल्लत निकल जाए तो बाद के ज़माने में उसके हराम होने का फतवा नहीं दिया जाता। मसलन एक ज़माने में तशब्बुह बिल कुफार की वजह से पेंट शर्ट को हराम का कहते थे, आज कोई नहीं कहता। इसी तरह औरत का बिला महरम सफ़र करना हराम था, उसे मुबाह करार दिया गया। चूँकि ख़तरे की इल्लत न रही, ठीक है, दाढ़ी के वजूब की इलल में से एक यहूद की मुखालफत थी, मगर आज वो ना रही, तो क्या दाढ़ी का हुक्म सुन्नत मौक्कदा से मुस्तहब बन जाएगा? ऐसे नहीं। आपने जो उसूल की बात बयान फरमाई है ना, ये बहुत मर्तबा होता है कि काम जीज की जगह उसकी इल्लत निकल गई, जब इल्लत निकल गई तो उसके बाद काम को मुस्तहब का दर्जा रह जाता। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसी पर इजाफा कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उम्रे के लिए तशरीफ आवरी हुई थी मक्का मुकरमा में, तो काफिरों ने प्रोपोगंडा किया कि मुसलमान कमज़ोर हो गए, इनकी सेहतें गिर गईं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब हालत अहराम में चलो बैतुल्ला में हाजिरी हो तो पहले चक्कर जो हैं वो ज़रा पहलवानों की तरह अकड़ के चलना है, ताकि जो देख रहे हैं ना इन्हें पता चले मुसलमान अभी भी ताकतवर। हो गई बात, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो अमल उस वक्त था सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का इत्तेबा करना, बाद में उसकी क्या हैसियत रही है? अब मना करते हैं, अब कहते हैं कि लोग ज़्यादा होते हैं, तकलीफ़ होगी। और बाज़ लोगों ने वैसे ही छोड़ दिया, ऐसे भी अफराद उम्र, उन्होंने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़रूरत थी, अब तो ऐसी ज़रूरत नहीं रही। और ऐसे भी मिलेंगे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, ग़ालिबन सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस पर गौर फरमाया था, और ग़ालिबन ये फरमाया था उन्होंने या किसी और ने कि अब हमें तर्क कर देनी चाहिए, और फिर फरमाया मैं नहीं छोड़ सकता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था लिहाजा हमें करना चाहिए। तो वो जो हुक्म का उस वक्त अहमियत थी वो कम हो गई। आपकी असूल की बात दुरुस्त है, लेकिन मसला ये है कि आप दाढ़ी को सुन्नत मौक्कदा से मुस्तहब पे ला रहे हैं ना, वो तो सुन्नत मौक्कदा है ही नहीं, इसका क्या करेंगे? वो तो वाजिब है उम्मत के नज़दीक, आइम्मा के नज़दीक दाढ़ी का रखना सुन्नत मौक्कदा नहीं, उसे वाजिब कहते हैं, वो मुसलमानों की एक पहचान करार देते हैं। इस इल्लत को तो नहीं आप कर सकते कि वाजिब और फ़र्ज में जब इल्लत नहीं रही तो उसे आप मुस्ताब में या नीचे ले आएँ, यह नहीं हो सकता। उसूल आपकी का दुरुस्त है, लेकिन जो आपने उस पर एप्लीकेबल जिस चीज़ को चढ़ाया है इस खराद पर, इस मशीन पर, वो दुरुस्त नहीं।